हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखेंगे ज्योग्राफी से एक टॉपिक। टॉपिक है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। विशाल मैदान तो उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है किससे बना हुआ है, तो ये आपको ध्यान देना है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के कारण लाखों वर्षों में जो गाद जमा हुआ है उसी के कारण इस नदी का निर्माण हुआ है। तो ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, फैला हुआ है। ठीक है, इधर मान लेते हैं कि ये सिंधु है, सिंधु से रिलेटेड मैदान है। इधर फिर ब्रह्मपुत्र से ये बीच में गंगा हो जाएगा। तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों से मिलकर ये मैदान बना है। इसकी जो लंबाई है ये ध्यान देना है 3200 किलोमीटर तक लगभग है। ठीक है, चौड़ाई जो है 150 से 300 किलोमीटर तक है औसतन। ठीक है, सब औसतन रखना है कि इसकी जो चौड़ाई है 150 से 300 किलोमीटर तक है। दूसरा चीज और है कि ये जो है हिमालय के किधर है, दक्षिण में। ठीक है, हिमालय के कहेंगे दक्षिण में है और प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत के, ठीक है, ये किधर है, तो उत्तर में है। ठीक है, उत्तर में ये स्थित है, इस प्रकार से बता सकते हैं। साथ ही साथ जो ये उत्तर का मैदान है, समुद्र से इसकी ऊंचाई जो है औसतन 240 मीटर मात्र है। ठीक है, ये हो गया। तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान की ये कुछ यहाँ पे हमने देख लिया। अब है कि सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र का जो ये मैदान है, सबसे पहले ये देखना है कि बीच में कहीं पे क्या है। अरावली श्रृंखला है, यानी अरावली पहाड़ी पड़ता है। ठीक है, कुछ यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी, इसमें यहाँ पे मान लेते हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है, जिसके कारण क्या है, कुछ नदियां जो है इधर बह रहा है, कुछ इधर। तो सिंधु से संबंधित जो भी नदियां हैं वो पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। यह अरावली पर्वत श्रेणी जो है इस मैदान को यहाँ पे विभक्त करता है, जिसके कारण जो नदियां हैं सिंधु से रिलेटेड नदियां, सिंधु और सहायक नदियां। तो सहायक नदी सिंधु का कौन कौन सा है, ये है झेलम। ठीक है, झेलम, चेनाब, या चेनाब जो भी बोलते हैं, रावी, ब्यास और सतलज। तो ये सारी नदियां क्या होता है, इस मैदान में पश्चिम की ओर बहता है। और दूसरा चीज ध्यान देना है कि ये जो, अच्छा ठीक है, उसके बाद ये अरावली पर्वत के इधर पूर्व बाला नदियां जो है गंगा से रिलेटेड और गंगा की सहायक नदियां। तो गंगा है, गंगा से सहायक नदियां क्या क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है बहुत सारा है। ठीक है, गंगा के सहायक नदियां कुछ नदी हम लिख सकते हैं, यमुना है, ठीक है, गंडक है, घाघरा है, सरयू है, गोमती है, कोसी है। ठीक है, महानदा, महानंदा है, सोन है। तो ये सब कुछ नदियां जो है ये इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व की ओर बहता है। दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे ध्यान देना है कि पश्चिम की तरफ का इस मैदान का पश्चिमी भाग का जो ढाल है वो कुछ इस प्रकार से, इस ढाल को यहाँ पे समझ सकते हैं ऐसे। तो ये क्या पढ़ेंगे, ये
इस कॉर्नर को उत्तर पढ़ेंगे और पूर्व पढ़ेंगे। उत्तर पूर्व से क्या है, दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है इस मैदान के पश्चिमी भाग का ढाल। पूर्वी भाग के ढाल की बात करें तो कुछ इस प्रकार से है। तो ये इसको क्या पढ़ेंगे, उत्तर पढ़ेंगे, ठीक है, और ये क्या पढ़ेंगे, पूरब पढ़ेंगे ना, सॉरी पश्चिम पढ़ेंगे इस कॉर्नर में, है ना। तो पश्चिम पढ़ेंगे, पश्चिम पढ़ेंगे, और इस कॉर्नर को यदि पढ़ना है तो ये दक्षिण और पूर्व पढ़ेंगे। तो इस मैदान का ढाल जो है पश्चिम भाग में क्या है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, और पूर्वी भाग में ढाल जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो इसमें आपको याद रखना है। साथ ही साथ है कि इस क्या है, बहुत सारा नदी द्वीप भी है। तो नदी द्वीप बनने का कारण क्या है कि जब समतल भूमि पे नदियां पहुंचता है तो ढाल कम हो जाता है और अपने साथ लाए हुए गाद को वो जमा करना शुरू कर जाता है, जिसके कारण बहुत सारे नदी द्वीप भी इस क्षेत्र में हैं। तो अब है सिंधु है, अरावली है, ब्रह्मपुत्र है। तो आज हम सिर्फ देख लेंगे सिंधु का मैदान के बारे में, या फिर इसी को बोलते हैं पंजाब के मैदान में, इसकी क्या विशेषता है, कहाँ से कहाँ तक ये फैला है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे, तो आइए देखते हैं। अब देखेंगे सिंधु का मैदान, इसको बिना मैप के सहारे ही देखेंगे सिंधु का मैदान या फिर पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली यदि कहा जाए तो पंजाब का जो मैदान है कहाँ कहाँ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और कुछ क्षेत्र राजस्थान का, कुछ क्षेत्र राजस्थान का भी, क्षेत्र राजस्थान का, राजस्थान का भी, ठीक है। ये जो है पंजाब हरियाणा दिल्ली में जो फैला हुआ है 1.7 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसकी जो चौड़ाई यानी क्षेत्रफल है, इतना क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि इसमें विशेषता क्या, सबसे ज्यादा क्या है, दोआब है, ठीक है। दोआब की अधिकता है इस क्षेत्र में, दोआब की अधिकता है, अधिकता है, ठीक है। तो दोआब की अधिकता तो है, लेकिन क्यों अधिकता है, तो दोआब की अधिकता, अच्छा क्यों है तो हम बता चुके हैं। दोआब क्या होता है, तो ये तो पता ही है आप लोगों की, दो नदियों के बीच की भूमि को ही दोआब कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। साथ ही साथ अब देखेंगे कुछ क्षेत्र जो है राजस्थान में पड़ता है, तो कुछ क्षेत्र जो राजस्थान में पड़ता है इसमें क्या है, तो इसमें ये कैसे, इसका प्रकृति कैसा है, अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, क्षेत्र है। अब इसमें जो है सबसे ज्यादा आप इस मैदान में बालू का, बालू का स्तूप मिलेगा, ठीक है, बालू का स्तूप पाया जाता है। तो बालू का स्तूप क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सैंड ड्यून, ठीक है। तो सैंड ड्यून के बारे में भी देख लेते हैं, तो सैंड ड्यून क्या होता है, तो सैंड ड्यून है कि रेगिस्तानी क्षेत्र यानी राजस्थान के क्षेत्र में बालू का टिब्बा, इनके बालू का एक ढेर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है कुछ मीटर से लेकर, कुछ मीटर से लेकर 100 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। साथ ही साथ ये है कि यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई होता है, ठीक है, और लंबाई होता है, तो लंबाई की तुलना में 10 से 12 गुना ये ज्यादा चौड़ा होता है, ठीक है। साथ ही साथ कहेंगे कि बालुका स्तूप का निर्माण आखिर होता क्यों है, तो बालुका स्तूप का जो निर्माण है कुछ इस कारण से होता है कि बालुका तो क्या है, झाड़ियां हैं, वृक्ष है, ठीक
ठीक है, पत्थर कोई शिला है बड़ा बड़ा, ठीक है, दीवार ये सब है, इसके अवरोध के कारण हवा की गति धीमा होता है, और हवा जो अपने साथ बहाकर जो भी धूल कण गाद ये सब लेकर आते हैं वो जमा होना शुरू होता है उसके आसपास, ठीक है, इस कारण से बालू का स्तूप का निर्माण होता है, और ये एक दिन में नहीं होता है, हजारों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है, ऐसा होने में। तो ये कुछ हमने आज देखा, सिंधु का मैदान या पंजाब का मैदान, उस मैदान की विशेषता कि पंजाब हरियाणा दिल्ली तक फैला हुआ है, कुछ क्षेत्र राजस्थान में भी इसका आता है। आगे हम देखेंगे गंगा का मैदान और फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान अगले क्लास में। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, चलिए।